सुपार्श्वती माता के दर्शन करने आया हूँ। सुपार्श्वती माता के दर्शन करने आया हूँ। जीवन की खाली गागर को भरने आया हूँ। जीवन अनादिकाल से मुनि आदि का छुलक छुली का यह एक संघ की परंपरा है। और जो मुनि बनते हैं, पहले मुनिराज बनते हैं, फिर वही आचार्य बनते हैं, फिर वही तीर्थंकर बनते हैं और फिर सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। मुनियों के क्रम में यह होता है। और नारी जाति में आदिकाओं की दीक्षा लेते हैं। जिस प्रकार मुनियों के संरक्षण संवर्धन परिपालन में आचार्यों की प्रमुख भूमिका होती है, उसी प्रकार नारी में आदिका की दीक्षा लेकर और गणनी पद को स्वीकार करके अपने संघ का परिपालन आदिकाओं का छुनिकाओं का ब्रह्मचारियों का परिपालन करने की परंपरा गणनी आदिकाओं में हुआ करती है। भगवान आदिनाथ स्वामी की ब्राह्मी सुंदरी दो कन्याएं थी। दोनों ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर दोनों आदिकाएं बनी। उसी आदिका की परंपरा में परम पूज्य गुरु माता आदिका गणनी सुपार्श्वती माता जी एक जगत विख्यात विलक्षण अलौकिक बुद्धि की धनी एक आदिका हुई, जिन्होंने अपने दीक्षा से लेकर और अंत तक 54 वर्ष तपस्या में बिताए। गली गली गांव गांव शहर शहर में पूरे आसाम बंगाल बिहार सब जगह जाकर उन्होंने धर्म की प्रभावना की। अनेक लोगों को सैनिक बनाया, अनेक प्रकार के सब लोगों को तपस्या करनी सिखाई। और सबसे प्रथम जो खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, बिना पढ़ी लिखी होकर भी उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किए। कितने ही ग्रंथों को उन्होंने मौलिक रूप से लिखा और कितने ही ग्रंथों का अनुवाद किया। इस प्रकार बहुत सारे शास्त्रों की रचित्री बनी, लेखन करें कार्य में निपुणता प्राप्त की और सारी जगत में विख्यात हो गई। आज माता जी की समाधि होकर करीब करीब 8 वर्ष होने लगते हैं। बड़केवाला जी जो चूड़ीवाल फार्म हाउस है, जिसे कि चूड़ीवालों का सब देख रेख में जिसका परिवर्तन हो रहा है, 8 वर्ष हो गए। प्रायः लोगों की स्मृतियों में थोड़ी सी विस्मृति होने लगी थी, माता जी की छवि धूमिल होने लगी थी। लेकिन चूड़ीवाल परिवार में अभी जैसे कुछ दिनों से कुसुम श्रीपाल यहीं पर रह रहे हैं और इनके मन में ये भावना आई कि माता जी के जो साहित्य हैं, जो आजकल साहित्यों को पढ़ कौन लेके घूमता बड़ी बड़ी किताबों को, तो उन सारे साहित्यों का संग्रह करके एक ऐप बनाया है। क्या सुपार्श्वती नाम, माँ सुपार्श नाम से एक ऐप बनाया है। उस ऐप में सारे ग्रंथ भर गए और उनके पुराने संस्मरण, उनकी स्मृतियाँ, उनकी फोटोज, उनकी क्रियाकलाप, उनके चातुर्मा जहाँ जहाँ हुए, उन सारा सारा का सारा वर्णन इस ऐप में आ रहा है, जो आज इसका उद्घाटन हो रहा है, अब आपके बीच में आएगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि इस प्रकार के कार्य से अच्छा, क्योंकि अभी कोरोना काल है, हमारे सारे मंदिर बंद हो गए, हमारे सारे धर्मायतन बंद हो गए, साधु संतों के प्रवचन बंद हो गए, साधु संतों की संगति बंद हो गई, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है कि घर घर तक ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी, घर घर तक नहीं जन जन तक ये सारी चीज़ें पहुँचेंगी और लोगों की इतनी स्मृतियाँ आएंगी। मैं सब जो बनाने वाले हैं सबको खूब आशीर्वाद देती हूँ कि इसी प्रकार के कार्य करते रहें और निरंतर अपने साधु संत जो भी हैं सबकी खूब धर्म प्रभावना करते रहें और धर्म प्रभावना के साथ उनके नाम को विस्तार देने का प्रयास करें। इसी के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद।